हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे 12th एनसीईआरटी मैथ की 3.3 एक्सरसाइज। तो उसको स्टार्ट करने से पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या क्या हैं यहाँ पे, सबसे पहले आपको बताया जाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि ट्रांसपोज करना है मैट्रिक्स का। तो इसमें आप सबसे पहले देखेंगे, इन दिस सेक्शन वी शैल लर्न अबाउट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स एंड स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस सच एज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे आप पहले ट्रांसपोज सीखेंगे, उसके बाद आप सीखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ट्रांसपोज बताया हो, जैसे आप मान लीजिए आपके पास ए मैट्रिक्स ये है, इसमें आपके पास 3x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यानी कि 3 रो और 2 कॉलम, ठीक है ना। तो 3x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है आपके पास है 3, 5, √3, 1, 0, 1, -5। इसका ट्रांसपोज क्या होता है, जो आपके पास जितनी भी रो होती हैं उसको तो बना दो कॉलम, ठीक है। यानी कि जैसे ये 3, 5 है, ये रो में है ना, इसको यहाँ पे कॉलम बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जितनी जो कॉलम है, जैसे ये कॉलम है आपके पास, ये कॉलम क्या है, 3√3, 0 आपके पास कॉलम है, इसको क्या बना देंगे आप, रो बना देंगे, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। और आप जैसे मैंने आपको बताया मैट्रिक्स को किससे डिफाइन करते हैं, कैपिटल लेटर से, यहाँ पे कैपिटल लेटर ए है। तो जैसे आपके पास कोई बी आ गया, सी आ गया, तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे ट्रांसपोज में, आप ये तो दिखा देंगे मैट्रिक्स ऐसे है, पर क्या चीज़ है, ए डैश करके आप उसको दिखाएंगे। जैसे कोई भी आ गया बी सी, तो उसके ऊपर डैश लगा देंगे, तो उससे पता चलेगा कि ये उसका ट्रांसपोज है, ठीक है। आपको ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज बता दी जाए, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, अगर आपके पास ए डैश का डैश आता है, वो किसके इक्वल होगा, ए के। यानी कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये मैट्रिक्स थी, ये मैट्रिक्स थी आपके पास ए, आपने इसका ट्रांसपोज किया, ये आ गया आपके पास, ठीक है। जैसे रो थी वो कॉलम बन गई। अब आप दोबारा अगर आपके पास जैसे ये रो कॉलम बन गई, जब आप कॉलम को फिर से इसका ट्रांसपोज करेंगे, कॉलम क्या बन जाएगी, रो, आपके पास वापस से ए आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ये बता रहा है, अगर आपके पास ध्यान दें कि दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे जो के है वो कांस्टेंट है, या अगर आप के इंटू ए का डैश करते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, यानी कि के इंटू ए का ट्रांसपोज किया जाएगा, वो आएगा किसके इक्वल, के इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अगर आपके पास ए प्लस बी का ट्रांसपोज आता है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज आता है, तो आप उसका किसके इक्वल रखेंगे, ए के ट्रांसपोज के इक्वल प्लस बी का ट्रांसपोज। अगर आपके पास इंटू में ट्रांसपोज है, जैसे ए इंटू बी का ट्रांसपोज है, तो आप उसका क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे, जैसे पहले ए इंटू बी है तो आप कर देंगे बी इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अब आपके पास एग्जांपल शुरू होते हैं, एग्जांपल स्टार्ट करते हैं आपके पास। जैसे यहाँ पर पहला एग्जांपल है, 20 एग्जांपल आपके पास, ए इक्वल टू आपके पास ए मैट्रिक्स ये है, यानी कि 3√3, 2, 4, 2, 0 मैट्रिक्स आपके पास, और बी मैट्रिक्स आपके पास ये है। तो इसमें क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछे, वेरीफाई करना है फर्स्ट पॉइंट को, सेकंड पॉइंट को और थर्ड पॉइंट को, जो आप ऊपर पढ़ गए हैं ना ये चारों, इसमें से यहाँ पे आपसे 3 पॉइंट पूछ लिए गए हैं। तो आपको पहले ए डैश का डैश दिखाया जाएगा कि आपके पास, जैसे मान लीजिए ए मैट्रिक्स थी आपके पास, मान के लीजिए एग्जांपल है, तो आपके पास ये मैट्रिक्स ए है, उसका ट्रांसपोज करेंगे आप, क्या करेंगे ट्रांसपोज करते वक्त, जितने भी रो हैं आपके पास उन सबको बना देंगे एक कॉलम। जैसे आपके पास फर्स्ट रो थी, उसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, अगर थर्ड रो होती तो थर्ड कॉलम में, फोर्थ रो होती तो फोर्थ कॉलम में, ठीक है। और अब क्या करेंगे, आप फर्स्ट कॉलम को किस में कन्वर्ट कर देंगे, फर्स्ट रो में, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में, थर्ड कॉलम को थर्ड रो में, फोर्थ कॉलम को फोर्थ रो में, ठीक है। इस तरह से आप उसको सोल्व कर लें, यानी कि इसका ट्रांसपोज आपको आ जाएगा। अब आपके पास ये मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। तो अब इसने कहा किसका भी ट्रांसपोज करना है, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे, मैंने आपको बताया था ट्रांसपोज करते वक्त ऊपर डैश लगा देते हैं, तो अब डैश का डैश करेंगे आप, ठीक है। तो उसके निशान लगा के ब्रैकेट का, उसके ऊपर निशान लगाएंगे ट्रांसपोज का, तो आपके पास अब जो रो थी वो उसको वापस से कॉलम बना देंगे, जो आपके पास अगली कॉलम है उसको आप रो बना देंगे। तो आप ध्यान से देखें, ये जो मैट्रिक्स है, ये वाली किसके इक्वल है, ए मैट्रिक्स के, जो आपने प्रूव करना था, वेरीफाई करना था, वो आपका हो गया। अब आपको क्या करना है,
ए प्लस बी का ट्रांसपोज करना है, किसके इक्वल आना चाहिए वो ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के इक्वल आना चाहिए। तो आप सबसे पहले आपके पास ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स ये हैं, आपने क्या करना है पहले उनको जोड़ देना है, क्योंकि ए प्लस बी का होल का ट्रांसपोज है ना, तो पहले इनको जोड़ दो। ठीक है, तो उसको जोड़ने के बाद आप कैसे जोड़ेंगे, जो रो है उसको रो में जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, यानी कि 3 को 2 से, रूट 3 को -1 से, 2 को 2 से। ठीक है, आप इस तरह से इसको आप जोड़ देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5√3 -1, 4 5 4 4। ठीक है, तो आपने इसका करना है ट्रांसपोज, यानी कि जो आपके पास रो थी, यहाँ पे आपके पास दो रो हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, तो आपने जो रो थी उसको बना देंगे आप कॉलम, कॉलम बना दिया आपने। ठीक है, अब जितनी रो थी उसको तो कॉलम बना दिया, और जो कॉलम थी उसको रो बना देंगे, तो आपके पास ट्रांसपोज आ जाएगा। अब आपको क्या फाइंड करना था, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, ए ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो आपने ए जो था उसका ट्रांसपोज किया, यानी कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लिया। जैसे यहाँ पे आपके पास ये कॉलम थी 3 और 4 था कॉलम में, एक फर्स्ट कॉलम में आपके पास 3/4 था ना, 3 और 4, तो आपने इसको कॉलम की जगह अब रो में लिख दिया। ठीक है, इससे आप इसको सॉल्व कर लेंगे, अगली कॉलम को फिर रो बना देंगे, अगली कॉलम को दोबारा से रो बना देंगे। इस तरह से आप बी मैट्रिक्स को भी कॉलम में सेट कर लेंगे, जो रो है उसको कॉलम, जो कॉलम है वो रो हो जाएगी। तो आपके पास ए और बी आ गया ट्रांसपोज का, तो आप इन दोनों को ऐड कर दें और ध्यान से देखेंगे तो आपका वेरीफाई सम हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल आएंगे। थर्ड सम है यहाँ पे कि कॉन्स्टेंट, यानी कि गिनती में है, कोई 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है के इंटू बी, यानी कि जो आपके पास बी मैट्रिक्स है उसको के से मल्टीप्लाई करेंगे आप। आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई सिखाया हुआ है, ये कौन सी मल्टीप्लाई है, स्केलर वाली, और जो दूसरी होती है वो मल्टीप्लिकेशन वाली होती है, रो टू कॉलम वाली, इसको सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। जस्ट आपके बाहर एक अक्षर हो उसे मल्टीप्लाई करना, उसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, आप के को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, -1 से, 2 से, 1 2 4 सबसे मल्टीप्लाई कर दिया आपने। अब क्या करना है, इसका ट्रांसपोज, यानी कि जो रो है वो कॉलम, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम में हो जाएगी। इसी तरह से आप क्या करेंगे, फिर आपने के इंटू बी का ट्रांसपोज बता दिया। ठीक है, और फिर आप क्या करना है, आपने बी का ट्रांसपोज को जो आपके पास था, आपने बी का ट्रांसपोज निकालना। आपके पास बी का ट्रांसपोज क्या था, आपको ऊपर मैंने दिखा रखा है, आपके पास बी का ट्रांसपोज ये था, आपने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, के से मल्टीप्लाई करना है। एक मिनट आपको थोड़ा दिखा दूँ, देखिए आप, आपके पास बी मैट्रिक्स ये थी, यहाँ पे लिखा बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये था। ठीक है, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई किया, तो वो किसके इक्वल आ गया, के इंटू बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, के बी के ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। अब आपके पास 21 एग्जाम्पल है, यहाँ पे क्या कहता है, इफ ए मैट्रिक्स आपके पास ये है, बी मैट्रिक्स ये है, तो वेरीफाई करना है ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल आता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। मैंने आपको ऊपर प्रॉपर्टीज में उसकी आई थी कि ये ए इंटू बी का ट्रांसपोज हो तो क्या होगा, जो ट्रांस मल्टीप्लाई है वो पहले आगे आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई जैसे ए इंटू बी है वो बी इंटू ए हो जाएगा, तो आपको मल्टीप्लाई करनी है पहले। आपको मल्टीप्लाई मैंने सिखा दी थी, रो फर्स्ट रो को जितने भी कॉलम हैं उनसे मल्टीप्लाई करते जाना, जब आपकी फर्स्ट रो सारी कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाए उसके बाद सेकंड रो को उठाना है और सारी कॉलम से फिर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब आप इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज ए इंटू बी हो गया उसका ट्रांसपोज करेंगे, और अगला कर रखा है आपने ए का ट्रांसपोज और यहाँ पे बी का ट्रांसपोज, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, बी इंटू ए का ट्रांसपोज निकाल देंगे। ट्रांसपोज तो आपके पास आ गया, अब बी इंटू ए कर देंगे, यानी कि पहले बी लिखेंगे फिर ए लिखेंगे, उसकी मल्टीप्लाई 1 को -2 से, 4 से, 5 से, फिर 3 को -2 से, 4 से, 5 से, -6 को -2 से, 4 से और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल आएंगी। ठीक है, तो आपका ये सॉल्व हो गया। अब आपको सिखाना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास ए मैट्रिक्स ये है, इसका ट्रांसपोज करें तो आपके पास यही मैट्रिक्स आएगी। ट्रांसपोज करके देखते हैं आपके पास सबसे पहले,
जिस मान लीजिए आपको ये मैट्रिक्स आ गई, ठीक है, रूट थ्री यहाँ पे ए वन वन की जगह, तो मैंने भी ए वन वन की जगह लिख दी, यानी कि मैं पहले रो को कॉलम बना रहा हूँ, ठीक है, रो को कॉलम टू थ्री, अगली कॉलम उठाएंगे आप, अगली रो उठाएंगे उसको कॉलम में कन्वर्ट, टू 1.5 माइनस का है, फिर माइनस वन है, थ्री माइनस वन और वन, ये देखिए यहाँ पे ए है और ये किसकी इक्वल है, ए डैश के, तो यहाँ पे यहीं पे बता रखा है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर आपका ये नेगेटिव आ जाता तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती, ठीक है। यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे इसको सिमेट्रिक बता रखा है, मान लीजिए बी मैट्रिक्स आपके पास ये है, आपने इसका करना है ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करके देखते हैं आपका क्या आता है, ठीक है, ये बी है, यहाँ पे बी ट्रांस सॉरी बी ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज का ये निशान होता है, ये चल रहा था अपना ट्रांसपोज का निशान, ये होता है, ठीक है। तो आप ब्रैकेट डालेंगे इक्वल कर, जो फर्स्ट रो थी उसको क्या बनाएंगे, फर्स्ट कॉलम यानी कि जीरो, ठीक है, जीरो ई और एफ, उसके बाद सेकंड रो को उठाएंगे इस तरह से माइनस ई, जीरो और जी, और फिर माइनस एफ माइनस जी जीरो। अब ध्यान से देखें आपके पास जो पॉजिटिव था, जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपके पास ई पॉजिटिव है, ये वाला ई और एफ, यहाँ क्या आ रहा है रो में माइनस का रहा, तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास वापस माइनस का आ जाएगा, यानी कि जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आएगा, नेगेटिव बी के, ट्रांसपोज नेगेटिव के इक्वल आएगा, तो वो हो जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिखा रखा है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले 22 एग्जांपल, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी, ठीक है, आपके पास मैट्रिक्स बी ये है, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, बी का डैश निकालेंगे, आपने बी का डैश निकाल दिया यानी कि बी का ट्रांसपोज कर दिया, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है आपको सम कहा गया है, तो सम का होता है फॉर्मूला, ध्यान से देख रहे हैं ना, सम का सिमेट्रिक में क्या होता है, वन बाई टू जो भी मैट्रिक्स दी है, जैसे यहाँ पे आपको बी दी है, बी लिख देंगे प्लस उसका ट्रांसपोज, ठीक है, वो आप उसको लेट करेंगे पी ए बी सी कोई भी लेट कर सकते हैं, आपको यहाँ पे बी दिया हो तो आप बी के अलावा यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, तो आप इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे आप, उसके बाद आपके पास ये आ जाएगा पी, आपके पास ये आ जाएगा, एक सेकेंड, पी आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद पी डैश क्या आएगा आपके पास, इसका ट्रांसपोज, जो आपने ये निकाला था इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कैसे करते हैं, जो रो होती है उसको कॉलम बना देते हैं और जो कॉलम होती है वो रो बन जाती है अपने आप, ठीक है, अगर आप एक चीज़ को जैसे यहाँ पे आपने मान लीजिए रो उठाई है पहले उसको कॉलम बना दिया, वो अपने आप कॉलम बन दीजिएगी, आप रो उठा दीजिएंगे वो कॉलम बन दीजिएगी, अगर आपने कॉलम पहले उठाई है वो रो बन दीजिएगी, ठीक है, रो आप ध्यान से देखें तो ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल आ गई, ध्यान से देखेंगे ये मैट्रिक्स की इक्वल आ गई, ये वाली इसके इक्वल आ गई, यानी कि ये प्रूव हो गया कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर स्क्यू सिमेट्रिक होती तो क्या होता फॉर्मूला इसका, जैसे आपने सिमेट्रिक के लिए सम सम बोला आप पे तो आपने सम करके दिखाना, मतलब ये सम हो गया, और सिमेट्रिक खाली बोला तो जैसे आपको एग्जाम्पल मैंने समझाया था वैसे ही हो जाता है, यहाँ पे आपको बोला था सम बोला था सिमेट्रिक का, यहाँ पे अगला क्या बोला है स्क्यू सिमेट्रिक का निकालना, यहाँ पे सम है तो यहाँ पे वन बाई टू बी माइनस बी डैश लेंगे, इसको आप जैसे आपने यहाँ पे पी लिया था, अब जैसे आपने मान लीजिए यहाँ पे ए ले लिया तो आप इसको ए और बी छोड़ देंगे, बाकी एलिमेंट बाकी अल्फ़ाबेट्स ले लेंगे, यहाँ पे आपने क्यू लिया इसको, इसकी वैल्यूज पुट कर दी
सॉल्व करेंगे आप, उसके बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी 0, माइनस 1 बाई 2, माइनस 5 बाई 2, 1 बाई 2, 0, 3, 5 बाई 2, माइनस 3, 0। किसकी वैल्यू आई है? क्यू की। अब क्यू के बाद क्या करेंगे? क्यू का डैश करेंगे। क्यू के डैश करने के बाद आप ध्यान से देखेंगे तो वो जो यहाँ पे नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन गया, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन गया, यानी कि आप यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे। तो माइनस कॉमन लेने के बाद आपके पास वापस क्यू बन जाएगा, तो माइनस क्यू के इक्वल हो गया। तो आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक का सम भी निकल गया। आपके पास आपने सिमेट्रिक कर दी और स्क्यू सिमेट्रिक भी कर दी, उसके बाद उसको बोला सम। तो सम कैसे करेंगे? आपने जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाली है, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाली है, उन दोनों को आपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद आप ध्यान देखेंगे तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से इसका सम सॉल्व हो गया, यहाँ पे सम सिमेट्रिक सॉल्व हो गई। तो अब आप स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। थ्री आपने एग्जाम्पल कर लिए और उससे पहले उसके टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए कि क्या चीज़ क्या होती है, ठीक है। अब एक्सरसाइज करते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल समझना है तो भी आप पूछ सकते हैं। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, यानी कि यहाँ पे तीन मैट्रिक्स दी हुई हैं। फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीन तरह की मैट्रिक्स दी हुई है। इसको क्या करना है? ट्रांसपोज। तो सबसे पहले आप किसी भी कोई भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने के लिए उसको पहले कोई मैट्रिक्स का नाम देंगे, यानी कि लेफ्ट करेंगे आप। इसको ले लिया आपने ए मैट्रिक्स, जैसे आपको फर्स्ट पॉइंट में दिख रहा है। इसका क्या करेंगे? ट्रांसपोज करने के लिए आप क्या करेंगे, चाहे डैश डाल दीजिए ए के ऊपर या फिर टी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसका ट्रांसपोज कर दिया, यानी कि जो रो थी, ये रो है आपके पास फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, आपने इनको क्या बना दिया? कॉलम, यानी कि फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। इसी तरह से आप इसका सेकंड रो थर्ड पॉइंट कर लेना। अगर आपको समझना है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, आप जितनी मर्जी बार भी पूछ सकते हैं। आपको समझ आ जाए वो अच्छी बात है, अगर ना आए तो दोबारा आप मुझसे पूछ लेना। आपके पास सेकंड पॉइंट सम क्या है? इफ़ ए मैट्रिक्स, आपके पास अगर ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, तो वेरीफाई करो, चेक करना, यानी कि ये जो बात लिखी हुई है ये सही है या गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए? ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? ए का ट्रांसपोज निकाल देंगे। जैसे आपके पास ए मैट्रिक्स थी माइनस 1, 2, 3, 5, 7, 9, माइनस 2, 1, 1, तो आपने इसका ट्रांसपोज कर दिया। इसी तरह से आप बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। तो आपने इसका ट्रांसपोज करना है। अब आपको क्या निकालना है? ए प्लस बी। तो आपने ए प्लस बी कैसे निकालेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, यानी कि दोनों के ए वन वन को ऐड करेंगे, ए वन टू को ऐड करेंगे, ए वन थ्री को, इस तरह से टू वन और थ्री वन वन लाइन को भी कर देंगे। यानी कि ए वन वन क्या होता है? फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, यानी कि दोनों वन वन है, वन वन तो क्या होगा ये, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये बन गया। अगर मैं बोल दूँ आपको थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो पहले देखेंगे आप, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये होगी, ठीक है, थर्ड ये है। उसके बाद क्या करेंगे? थर्ड कॉलम देखेंगे, यानी कि कॉलम का देखेंगे आप, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो आपके पास क्या आ गया? वन, ठीक है। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम वन, इस तरह से आप इसको देखेंगे, ठीक है। तो अब आप सम स्टार्ट करते हैं अगला, आगे इसी के ए प्लस बी आपने कर दिया, आपके पास ये आता है। अब इसका क्या करना है? आपने ट्रांसपोज कैसे करेंगे? जो रो है वो कॉलम बना देंगे। अगर आप कॉलम के हिसाब से करें तो कॉलम को रो बना देना, अगर रो के हिसाब से करें रो को कॉलम बना देंगे। तो आपके ए प्लस बी का होल डैश तो ये आता है, और ए का डैश, ए डैश प्लस बी डैश क्या आता है, वो आप पहले ही निकाल चुके हैं, ए डैश और बी डैश। ए डैश आपके पास ये है, ठीक है, आपके पास ए डैश तो ये है और बी डैश ये है। आप इसमें ऐड करना है, आपने ए डैश और बी डैश को ऐड करेंगे, आपके पास ये मैट्रिक्स बनेगी। अब ध्यान से देखिए, ए प्लस बी का डैश किसके इक्वल आ रहा है?
ए डैश प्लस बी डैश, यानी कि देखिए फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट को देख लीजिए, वैसे तो आप पूरी को देख सकते हैं, सारे एलिमेंट्स सेम है, तो आपकी ये वेरीफाई हो गई। इसी तरह से आपने सेकंड को वेरीफाई करना है। आप मैं सेकंड सम दिखा देता हूँ कि क्या कहता है। वो कहता है ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज, यानी कि पहले आप ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को माइनस कर दीजिए, ए में से बी माइनस कर देंगे, जो आपका आंसर आएगा उसको ट्रांसपोज करना है, और वो किसके इक्वल आना चाहिए, फिर आप ए ट्रांसपोज किया हुआ है, बी ट्रांसपोज किया हुआ है, फिर ट्रांसपोज जो आपने किया हुआ है ना उन दोनों को माइनस कर दीजिए, आपके पास ए माइनस बी के होल ट्रांसपोज के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड सम स्टार्ट करते हैं। इसमें थर्ड में क्या कहता है, मैं आपको सेकंड सम दिखा देता हूँ, सेकंड का सेकंड कैसे किया हुआ है। ठीक है, आप इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लें, अगर आपको समझ ना आए तो फिर मेरे से पूछ सकते हैं, आप समझ ना आए तो पूछ ले, समझ आ जाए तो लिख दीजिए समझ आ गया। आपके पास इफ थर्ड सम है, इफ ए ट्रांसपोज ये है और बी ये है, तो आपको क्या वेरीफाई करना है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, ए डैश बी डैश, जैसे ऊपर था वैसे नीचे, पर आपके पास यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे ए ट्रांसपोज दिया, ए नहीं दिया, इसने ए ट्रांसपोज दिया, तो आपको पता है कि ए ट्रांसपोज ए से, ए ट्रांसपोज से ए कैसे आएगा, जब आपको मैंने ऊपर प्रॉपर्टी बताई थी, अगर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दिया जाए वो किसके इक्वल आएगा, ए मैट्रिक्स के। इसी तरह से आपने ट्रांसपोज ये चीज़ आपको दी हुई है, आपने इसका क्या करना है, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करेंगे तो आपके पास ए आ जाएगा, ट्रांसपोज करना आपको मैंने सिखा दिया है। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो मेरे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, तो दिखाता हूँ मैं आपको कैसे किया हुआ ये। आपके पास यहाँ पे मैट्रिक्स थी ए, कौन से ऑर्डर की है ये, थ्री ऑर्डर टू की, थ्री ऑर्डर टू कैसे निकाला मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, थ्री रो, पहले आप रो लिखेंगे और फिर कॉलम लिखेंगे, यानी कि आप रो और कॉलम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रो को तो एम के नाम से कर सकते हैं और कॉलम को एन के नाम से। ठीक है, और अगर दूसरे तरीके पर आपके पास ए की फॉर्म में हो तो आप इसको इससे भी डिनोट कर सकते हैं, आई और जे की। ठीक है, ये स्मॉल है, इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, देयर डिनोट कर सकते हैं इससे। ठीक है, तो अब आप स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट, इसका आपने ए से ए ट्रांसपोज से ए आप निकाल देंगे, उसके बाद जो आपको कहा गया है यहाँ पर वही सम आपने सोल्व करना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी कि आपके पास ए है बी है तो उसका ट्रांसपोज कर दो प्लस कर कर, और ए का ट्रांसपोज कर दो बी का ट्रांसपोज कर दो, जब ट्रांसपोज कर लो उनको आपस में ऐड कर देना, तो आपके पास फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास सेकंड पॉइंट है, मैं आपको फर्स्ट पॉइंट दिखा देता हूँ, ठीक है, आप इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। अब आपके पास सेकंड पॉइंट है, आप उसकी भी ले लीजिए, आपको समझ आ जाएगा, मैंने आपको इसके ऊपर थर्ड सम करो सॉरी सेकंड सम आपको मैंने ऊपर समझा दिया था अच्छे से, तो आपको ये सम आ जाना चाहिए, अगर ना आए तो आप मुझसे पूछ लेना। आप करते हैं फोर्थ सम, तो फोर्थ सम में क्या कहता है, इफ़ ए ट्रांसपोज ये है बी ट्रांसपोज ये है तो फाइंड करो ए प्लस टू बी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज से ए निकाल लेंगे, ए या ट्रांसपोज से ए निकालना आपको आ गया होगा, थर्ड पॉइंट भी मैंने थर्ड सम में आपको मैंने सिखा दिया, और आपके पास बी भी है, तो अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, ए चाहिए और टू बी चाहिए, तो आपके पास टू नहीं है तो आप इसको टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि आपके पास मल्टीप्लाई करने बाद आ जाएगा माइनस टू, ज़ीरो, टू और फोर। ठीक है, तो आप फिर उनको ऐड कर देना, तो आपका सम हो जाएगा। आज आप पांच सम ही करेंगे, बाकी जितने भी सम आप अगली वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, तो आपके पास फिफ्थ सम क्या है, फोर द मैट्रिसेस ए एंड बी, यहाँ पे आपके पास मैट्रिस है ए एंड बी, वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट ए इंटू बी का ट्रांसपोज बी डैश इंटू ए का ट्रांसपोज, यानी कि यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है, आपके पास ये मैट्रिस है पहले पॉइंट में, ए मैट्रिक और बी मैट्रिक ये है, तो आपने इसका वेरीफाई करना है कि ये बात प्रूव हो रही, वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही, चेक करना है कि ये दूसरे के इक्वल हैं या नहीं, तो आपको मल्टीप्लाई करना आता है पहली रो को पहली कॉलम से, यहाँ पे रो कौन सी है, सिर्फ एक माइनस चार और यहाँ तीन। ठीक है, तीन रो हैं तीन कॉलम है, मल्टीप्लाई करते वक्त ध्यान देना है जितनी रो हैं ए मैट्रिक्स की उतनी ही बी मैट्रिक्स की कॉलम होनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते,
और प्लस भी नहीं कर सकते, प्लस करने में भी उसके एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। अगर एक मैट्रिक्स टू ऑर्डर टू की और दूसरी मैट्रिक्स थ्री ऑर्डर थ्री किया तो आप उसमें कैसे ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना ऐड। तो मैट्रिक्स का ध्यान रखना कि कैसे ऐड होगा और कैसे मल्टीप्लाई होगा। तो आपके पास a इंटू बी आ गया, ये आपने इसका क्या करना है, ट्रांसपोज आपने कर दिया, ठीक है। आपने इसको चेक करना है कि ये उसके इक्वल आता है कि ये नहीं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, a का ट्रांसपोज कर दिया और फिर b का, तो आपने b इंटू a का मल्टीप्लाई करनी है, b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज की, जो आपके पास दिखेगा कि आपके पास वही आ जाता है जो आपके पास a इंटू b के होल ट्रांसपोज के इक्वल है, ठीक है। आपका सम आज की क्लास यहीं खत्म होती है और आपका फिफ्थ सम कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल को दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, ठीक है। मैंने यहाँ पे टेंथ क्लास की वीडियोज़ भी डाली हुई हैं, अगर आपका कोई छोटा भाई या बहन टेंथ कर रहा है तो आप उसको वो वीडियोज़ दिखा सकते हैं, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में खाली नहीं रखना है, उसको भर दो, समझ आ गया तो लिख दो, समझ आ गया, नहीं आया तो कौन सा सम नहीं आया वो लिख दो ताकि मैं आपको अगली वीडियो में समझा दूँ।